हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज किस वीडियो पे रिएक्शन देना है? आज हम देखेंगे चाइना इज यूजिंग पेट्रोल टू अटैक इंडिया। ओ मतलब पेट्रोल से क्या अटैक हो सकता है। चले वीडियो देखते हैं और वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी ये न्यू की वीडियो है तो बहुत सारे फैक्ट के साथ वीडियो होगी, देखते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना और हाँ में भी कर दो। हियर वी गो। ये है मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर, और ये है शी जिनपिंग। और उन दोनों का ये फोटो भारत के लिए सबसे डेंजरस फोटो हो सकता है। लेकिन क्यों? एक मिनट, चाइना और सऊदी अरेबिया की पार्टनरशिप भारत के लिए डेंजरस क्यों हो सकती है? वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं और इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसलिए ये है सारे चैप्टर्स। लेकिन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज इसे एंड तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम हमारे वीडियोस के थ्रू कॉम्प्लेक्स मुद्दों को आपके लिए आसान बनाते हैं, लेकिन आप में से सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ। अगर आपको हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। चैप्टर 1, सऊदी का पहला प्यार। चाइना और सऊदी की लव स्टोरी आज बिल्ड हो रही है, लेकिन चाइना सऊदी का पहला प्यार नहीं था। सऊदी चाइना से पहले एक रिलेशनशिप में था अमेरिका के साथ। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। सऊदी और दूसरे ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों का एक ग्रुप है, ओपेक और ओपेक प्लस, जो एक साथ मिलकर ऑयल के प्रोडक्शन और प्राइसिंग पर अलग अलग डिसीजंस लेते हैं। दुनिया की डिमांड कम ज्यादा होती रहती है, और ऐसे वोलेटाइल वर्ल्ड में अगर सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों ने एक साथ मिलकर डिसीजंस लिए तो सबका फायदा होगा, सबका साथ, सबका विकास। बात है 1973 की, जब इजिप्ट और इसराइल के बीच वॉर छिड़ गई। यहाँ अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया और सऊदी नाराज हो गया। उन्होंने ओपेक का इस्तेमाल करके ऑयल की प्राइस बढ़ा दी, $3 से सीधा $12 कर दी। इसके वजह से अमेरिका में 2 सालों के लिए रिसेशन आ गया। लेकिन एडवर्स सिचुएशन में भी अपना फायदा करवाना कोई अमेरिका से सीखे। ये इंसान हेनरी किसिंजर अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर था, जो रियाद आया और उसने सऊदी को अपने क्रूड ऑयल को $US में बेचने के लिए कन्विंस किया। इसे पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट कहते हैं, जिसने दुनिया बदल दी। सऊदी ने अपना पेट्रोल अमेरिका को डॉलर्स में बेचना स्टार्ट किया, और उन्होंने दूसरे ओपेक देशों को भी यही करने के लिए कन्विंस किया। बदले में अमेरिका ने सऊदी को मिलिट्री प्रोटेक्शन दिया और सऊदी अरेबिया को परमिशन दे दी कि वो US अमेरिका में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज US इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ओपेक के सारे देश अपना सारा पैसा अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाते हैं। इससे दोनों को फायदा होता है, सऊदी को वेपन्स अमेरिका से मिलते हैं और अमेरिका को सऊदी से ऑयल। ये रिलेशनशिप दोनों के लिए बढ़िया थी, लेकिन फिर आया एक नया चैप्टर, चाइना और सऊदी का रिलेशनशिप। चाइना और सऊदी अरेबिया का रिलेशनशिप स्पेशल है, क्योंकि चाइना दुनिया की फैक्ट्री हो सकता है, चाइना दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन सऊदी और चाइना के बीच जो ट्रेड होती है उसमें चाइना सऊदी से ज्यादा इंपोर्ट करता है, ट्रेड डेफिसिट में चलता है। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। 2022 में सऊदी ने चाइना से $30 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट किए, वेयरएज चाइना ने सऊदी से $50 बिलियन के। चाइना से सऊदी अरेबिया बहुत पैसा कमाता है। चाइना सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और चाइना के पास सब कुछ है, पैसा है, दुनिया भर की कंपनीज है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। लेकिन एक बात नहीं है और वो है ऑयल। चाइना का 18% ऑयल एक देश से आता है, सऊदी अरेबिया। एट द सेम टाइम सऊदी के टोटल एक्सपोर्ट्स में से 1/4 सिर्फ एक देश को जाता है, चाइना। ये बात पिछले कई डेकेड से कंटिन्यू होती आई है, एंड इट मेक सेंस। व्हाट डजंट मेक सेंस इज व्हाट सऊदी वांट्स फ्रॉम चाइना। चैप्टर 3, What Saudi wants. पिछले कुछ सालों से कई अरब देश एक चीज बहुत दिल से करना चाहते हैं, अपनी इमेज को ऑयल से अलग करना चाहते हैं। 20th सेंचुरी में जब से ऑयल मेनस्ट्रीम हो गया, तब से इन अरब देशों की निकल पड़ी। हर अरब देश जिसके पास ऑयल है वो दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग देश बन गया, एंड दैट्स ग्रेट फॉर द अरब वर्ल्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि आने वाले 100 सालों में ऑयल रिजर्व्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो अगर ऑयल पर ये देश बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो आने वाले 3-4 जनरेशन में वो रेलिवेंट नहीं रहेंगे। ये बात कतार, UAE, सऊदी की लीडरशिप जानती है, और इन सारे देशों की लीडरशिप काफी स्मार्ट है, सिर्फ आज की ही नहीं कल की सोचती है। MBS जानते हैं कि सऊदी अरेबिया आज दुनिया में अपने ऑयल के वजह से रेलिवेंट है, लेकिन कल का क्या? सऊदी के पास दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट ऑयल रिजर्व है। एट वन पॉइंट सऊदी अरेबिया के GDP का 90% हिस्सा सिर्फ ऑयल से आता था। ये सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि ऑयल कभी ना कभी तो खत्म होने वाला है। आइडिया ये है कि डाइवर्सिफाई करो, ऑयल को छोड़कर दूसरे इनकम के एवेन्यूज बनाओ। दैट्स व्हाई अरब वर्ल्ड में आजकल वर्ल्ड कप्स होते हैं, रेसिंग इवेंट्स होते हैं, ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी पूरी वर्ल्ड में चर्चा हो। सऊदी के पास ऑयल वेल जरूर है, लेकिन देश की डेवलपमेंट के लिए उन्हें और फंड्स चाहिए, लेबर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल्स चाहिए, और ये बातें उन्हें कहीं ना कहीं से इम्पोर्ट करनी पड़ती है। नाउ
कुछ दिनों पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट सऊदी गए थे, उन्होंने सऊदी अरेबिया को रिक्वेस्ट की कि ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाए ताकि कॉस्ट कंट्रोल में आए, लेकिन इस रिक्वेस्ट को सऊदी ने साफ मना कर दिया। द क्वेश्चन इज, अगर सऊदी अमेरिका से वेपन्स खरीदता है तो किसी बैकअप प्लान के बिना वो ये रिस्क नहीं लेगा। एंड द बैकअप प्लान इज चाइना। चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बारे में मैंने एक बहुत अच्छा ऑडियो बुक कुकू एफएम पर सुना, Rise of China. Knowledge partner for this video is Cuckoo FM. यहाँ मैंने ये सीखा कि ऐसी कौन सी strategies हैं जिनका इस्तेमाल करके चाइना ने अपनी इकोनॉमी को जीरो से ऊपर उठाया और कैसे चाइना दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है। चाइना हमारा राइवल जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें चाइना से सीखना जरूरी है। Cuckoo FM भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म, जहाँ 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज आप सुन सकते हैं और 23 लाख से ज्यादा यूजर्स ने ऑलरेडी Cuckoo FM को चुना है। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जहाँ सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप ऑडियो शो सुन सकते हैं। इस साल की शुरुआत आप नॉलेज के साथ कर सकते हैं। हम हमारे लॉयल व्यूअर्स के लिए एक खास ऑफर लाए, Cuckoo FM का 1 month सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 49 rupees में मिलेगा, यानी 50% ऑफ। फ्री टाइम में, ड्राइविंग करते समय या फिर जिम में ऐसे ऑडियो बुक सुनते रहने से मुझे नए कॉन्सेप्ट्स और नए आइडियाज मिलने में मदद होती है। डाउन लिंक पर क्लिक और Cuckoo FM चैप्टर 4 चाइनाज डेंजरस डील्स विद सऊदी, इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन किया जिसके थ्रू वो एक दूसरे के देश के इनकोट इंटरनल मैटर्स पर कमेंट नहीं करेंगे। चैप्टर 5 इंपैक्ट ऑन इंडिया एंड ऑन द वर्ल्ड। चाइना लद्दाख और अरुणाचल को अपना इंटरनल मैटर मानता है। धीरे धीरे सलामी स्लाइसिंग टेक्निक से वो इन दोनों एरियाज को अपने लैंड एरिया में ले रहा है। यूजुअली भारत को छोड़कर दूसरे देश इस पर कमेंट नहीं करते, लेकिन चाइना अब ऐसे डील्स करके मानो उनकी साइलेंस ही खरीद रहा है। दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत और सऊदी के रिलेशंस पिछले 8 सालों में काफी इंप्रूव हुए। अगर हम उनसे ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो वो हमसे टैलेंट इंपोर्ट करता है। भारत के कई स्किल्ड वर्कर्स सऊदी में काम करने के लिए जाते हैं। चाइना और सऊदी की ये पार्टनरशिप हमारे लिए डेंजरस इसीलिए है क्योंकि ये दुनिया में एक नया ग्रुप फॉर्म करती है। चाइना धीरे धीरे इंडिया को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने नेपाल और मालदीव्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हुए कुछ ऐसा ही किया था। मालदीव्स ने माले एयरपोर्ट अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कंपनी GMR को दिया था, लेकिन चाइना के बढ़ते क्लोजनेस की वजह से 2012 में मालदीव्स ने ये डील खुद से स्क्रैप कर दिया और चाइना ने एयरपोर्ट डेवलपमेंट राइट्स ले ली। नेपाल की बात की जाए तो भारत और नेपाल के रिलेशंस एक मिक्स्ड बैग है, कभी फ्रेंडली होते हैं तो कभी नहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में नेपाल इज क्लोजर टू चाइना, इतना कि चाइनीज एम्बेसडर उनके पॉलिटिशियंस के साथ इंटरनल पॉलिसीज डिस्कस करते हुए पाई गई। जब से चाइना ने इन दोनों देशों के साथ बात करना स्टार्ट किया है तब से भारत के रिलेशंस ने एक बैक सीट ले लिया। अब बांग्लादेश में ही देख लीजिए, बांग्लादेश में चाइना ने इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फंड किए हैं कि बांग्लादेश के लिए चाइना के सारे क्राइम्स माफ हैं। चाइना भारत को सिर्फ ज्योग्राफिकली नहीं पॉलिटिकली भी घेर रहा है। इस सऊदी चाइना डील में भारत कोलैटरल डैमेज बन सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज भारत को नहीं अमेरिका को है। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर थी, अमेरिका। लेकिन चाइना अमेरिका के लिए एक बड़ी थ्रेट बन रहा है। चाइना एक दूसरा सुपर पावर बनकर उभर रहा है। अगर सऊदी चाइना के साइड चला गया तो चाइना बहुत पावरफुल बन सकता है। पिछले 3 सालों में ये अमेरिका की तीसरी बड़ी स्ट्रेटेजिक हार होगी। पहली जब उन्होंने तालिबान को अंडर एस्टिमेट किया, दूसरी तब जब उन्होंने रशिया को अंडर एस्टिमेट किया, और तीसरी अब जब वो चाइना को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेक श्योर टू चेक आउट Cuckoo FM फॉर इंटरेस्टिंग बुक्स एंड इवन मोर एक्साइटिंग ऑफर्स। सब्सक्राइब इनको लाजमी करता, अभी है न्यू। बहुत अच्छे फैक्ट पे बात की है और सही कहा यार, चाइना जिसको घेरता है ना उसको मतलब कि घेर ही लेता है भाई, मतलब बड़े तरीके से घेरता है, बहुत तरीके से घेरता है चाइना। और मुझे अगर सऊदी गिरा उससे सऊदी का गेम खत्म भाई, सऊदी को कैसे कंट्रोल करेगा। अमेरिका का भी होगा, अमेरिका का तो अलग ही चल रहा है ना, वो तो डॉलर की वजह से होगा इसका। लेकिन अगर चाइना ने सऊदी को पूरा घेर लिया तो सऊदी के लिए उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान का हाल है। आप भी कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन लाजमी बताना, और भी कोई ऐसी वीडियो वो भी कमेंट करके बताना, हम जरूर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिए।